हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा गोसाई मेकओवर। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है ज्वेलरी हॉल वीडियो, और इसके अंदर सब कुछ जो चीज़ें होने वाली है सब मिसलिनियस है। जैसे कि मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है इयर रिंग्स, नेकलेस, बैंगल्स और भी बहुत कुछ। तो ये देखने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और वीडियो को स्किप मत करना जिससे कि आप मेरी वीडियो पूरा देख पाओ। और जो भी ज्वेलरी हॉल होने वाला है ना, सब कुछ इतना वेडिंग के लिए इतना परफेक्ट है, मम्मी के लिए, चाची के लिए, कजन्स के लिए, सबके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, और क्वालिटी वाइज में बात करूँ तो क्वालिटी भी सबकी इतनी अच्छी है कि आपको रिग्रेट नहीं होने वाला लेने के बाद। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फर्स्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि होने वाले हैं इयर रिंग्स। मैंने पहले ही इनको ओपन करके देख लिया है कि कहीं कुछ रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर ना हो गया, कुछ टूटा फूटा ना हो, जैसे कि हमेशा मीशो के साथ कभी ना कभी हो जाता है कि कभी ना कभी डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाता है या कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाता है तो उसे हमें रिटर्न करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पहले ही इसको ओपन करके देखा, और ये आई स्वेयर इतना बढ़िया पीस आया ना, इतने लाइट वेट, इतने अच्छे इयर रिंग्स कि मुझे लोकल मार्केट में भी नहीं मिलते इतने कम प्राइस में। प्राइस में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, पिक्स भी लगा दूंगी, और साइड बाय साइड वीडियो भी चल रही होगी, आप वीडियो भी देख के चेकआउट कर लेना कि आपको कैसे लगते हैं। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुए हैं, ऐसे आए थे, कोई बबल रैप वगैरह कुछ नहीं था, नॉर्मल डब्बे के अंदर इन्होंने भेज दिया। तो एक थैंक यू नोट ज़रूर भेजा है, एक थैंक यू नोट दिया है साथ में, ठीक है। और ये है इयररिंग्स, कैसे लग रहे बताओ, खोल के दिखाती हूँ अभी, लेकिन फिर भी पैकेजिंग देख लो, अच्छी पैकेजिंग ही आई थी। ठीक है, और ओपन करते हैं। ब्लू कलर की ये इयररिंग्स है जो मैंने ऑर्डर करे हैं, आप स्क्रीन पे देख लेना इसका क्लोज़र लुक, पहनने के बाद ही कितने बढ़िया लग रहे हैं, और इतने लाइट वेट कि आपको लगेगा ही नहीं कि कानों में आपने कुछ पहना है। क्योंकि सबको ही चाहिए होता है कि लाइट वेट हो कुछ, कानों में हम पहने तो हमारे जो ईयर लोब्स हैं वो बड़े ना हो, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स को, लेडीज़ को, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल फेस्टिव वाइब्स दे रहे हैं, वेडिंग एप्रोप्रिएट है, हर चीज़ के लिए परफेक्ट है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं, ये देखो। ठीक है, और इसकी मैं बात करूँ तो ये हरनूर झुमका ब्रांड इस पर लिखा हुआ है, हरनूर इसके बैक साइड में लिखा हुआ है। ये मैं ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको मैं उसमें दिखा दूँगी, वीडियो में साइड में देख लेना आप, उसमें आपको दिख जाएगा। और जो मीनाकारी वर्क होता है ना, खैर ओरिजिनल मीनाकारी वर्क तो नहीं है ये, लेकिन मीनाकारी वर्क की कॉपी है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लोकल मार्केट में ना आपको ऐसी लाइट वेटेड झुमकियाँ तो नहीं मिलने वाली, तो ये आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, और मीशो से भी मैंने बाय की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही रीजनेबल, और बहुत ही अच्छी है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एक चोकर, इस तरह की पैकेजिंग इसकी मुझे रिसीव हुई है, अंदर से एक प्लास्टिक का बॉक्स है, और बबल रैप के साथ ही आया था, पूरी सेफ्टी के साथ, ताकि इसको कोई जब कोरियर वो मुझे रिसीव हो तो कोई इसको हार्म ना पहुँचे, तो अच्छे से ही पैक होके आया था। ठीक है, ये इसका बॉक्स है, जो कि ठीक है, अच्छी पैकेजिंग है, ऐसे ही नहीं डाल के दे दिया है। और ये रहा चोकर, चोकर जो मैंने ऑर्डर किया है वो ग्रीन कलर में किया है, ग्रीन कलर इतना ट्रेंडिंग है ना कि ये एक कलर तो ना होना ही चाहिए, चाहे चोकर में चाहे लॉन्ग नेकलेस में, आपके पास एक ग्रीन नेकलेस होना कंपलसरी है, ये तो मस्त है कि आप एक ले लो। रेड्स के साथ भी जाता है, पिंक्स के साथ भी जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। आप इनको स्क्रीन पे देखो कि मैंने इसको वेयर करके दिखाया, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और इसकी इसकी जो मैं बात करूँ ना मोतियों की, इनकी भी कलर की शाइन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिफरेंट टाइप का काम हो रखा है, अच्छा सा डिसेंट सा वर्क है। नीचे ये दिए गए हैं मोती, और जो इसकी डोरी है ना ये भी काफ़ी अच्छी लेंदी सी है, हर साइज़ वाले बंदे को ये आ जाएगी। ठीक है, और स्क्रीन पे आप वीडियो देख लो कि कितना अच्छा लग रहा है, ये जो पिंक कलर का स्टोन इसमें बीच में दिया है ना, इसने इसकी ग्रेस और ज़्यादा ही बढ़ा दिया, बहुत अच्छा है। और इसके इयरिंग्स की बात करूँ तो इयरिंग्स इसके बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, छोटे छोटे से इसके इयरिंग्स है, लेकिन प्यारे लग रहे हैं काफ़ी, और पहनने के बाद कंप्लीट ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आ रहा है, आपको ना अच्छा लगेगा पहनने के बाद, वेडिंग्स में, फेस्टिवल्स में, कहीं भी पहनो, करवा चौथ पे पहनो, शादियों में पहनो, हर जगह पहनो, बड़ा अच्छा लगने वाला है। ठीक है, प्राइस मेंशन है स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट करना ना भूलें, एक बार चेकआउट तो कर ही लेना कि कैसा लगता है आपको ये प्रोडक्ट, जाके रिव्यू भी पढ़ लेना, आपको रिव्यू से आइडिया हो जाएगा कि मैं भी ऑनेस्ट रिव्यू ही आपको देती हूँ। ठीक है ना, ऑनेस्ट रिव्यू ही देना चाहिए, क्योंकि ख़राब चीज़ बता के कुछ अच्छा तो मिलने वाला नहीं है आपको। तो ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो भी नेकलेस है, और ये जो आप देख रहे होंगे इतनी सारी ज्वेलरी का मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया, नहीं भाई, इतनी सारी ज्वेलरी मैं खुद वेयर नहीं करती हूँ, मेरी कज़न्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, जो सब मुझे कहते हैं, मुझे मुझसे सजेशंस लेते हैं कि उनको मेरी जो चॉइस है वो अच्छी लगती है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, अगर उनको कुछ चाहिए तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग मेरे लिए ऑर्डर कर दो, तो मैंने कर दिया, तो सबको ये काफ़ी अच्छा लगा, मेरी चाची, बड़ी मम्मी, जो भी लोग हैं ना, उन सबको ये नेकलेस इतने पसंद आया ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ट्रेडिशनल चोकर्स हैं, दिवाली के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। एक्चुअली मैंने ये दिवाली वीडियो के लिए बनाया था,
मंगवाया था ये सब, लेकिन मुझे ये सब लेट रिसीव हुए, तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम इसको कभी भी कर सकते हैं यूज़। दिवाली पे क्या, फॉर एवर चलने वाली चीज़ें ये, वेडिंग्स में पहनो, फंक्शंस में पहनो, अपनी एनिवर्सरी पे पहनो, हर जगह पहनो। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ऐसी पैकेजिंग में रिसीव हुआ, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, नाम लिखा हुआ है राइज, राई राइज ज्वेलरी बॉक्स है ये, ठीक है। तो ओपन करते हैं, ये देखिए, ये मैंने ऑर्डर किया था, एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ज्वेलरी होती है ना, टेम्पल ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, लोगों को ये काफ़ी पसंद आती है, और आई थिंक साउथ में तो ये काफ़ी ज्वेलरी पसंद की जाती है। तो जो भी मेरी फैम साउथ से देख रही है, तो वो ये वाली ज्वेलरी को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसी है, तो इसको मैं ओपन करती हूँ और मैं दिखाती हूँ। बहुत ही डिसेंट, बहुत ही एलिगेंट लगने वाली ये चीज़ है, मुझे ऐसी चीज़ें ही काफ़ी पसंद आती है, ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा हल्की, जो आपको एक अच्छा लुक दे, आपकी साड़ी को, आपकी ड्रेसेस को, सब में ना आप अच्छे से लगो। बस ये जो इसमें दिए हुए ना मोती, रूबी तो नहीं है लेकिन रूबी जैसे हैं, और बहुत ही अच्छी शाइन है, ये देखो, आपको इसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगी। बीच में लक्ष्मी जी बनी हुई है, अगर आपको दिख रही हो, लक्ष्मी जी बनी हुई है, साइड में वीडियो चल रहा है, वीडियो में आप देख ही लो कि ये कितनी अच्छा, कितना अच्छा पीस है और कितना अफोर्डेबल, क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि पीछे से है ना कुछ भी आपके नेक में चुभेगा नहीं। ये देखो, बहुत ही है ना, इसे वो होता है ना फ्लेक्सीबल, वैसी चीज़ है। इयररिंग्स की बात करूँ तो इयररिंग्स बिल्कुल यही है, लक्ष्मी जी और ये रूबी लगा हुआ है बस, और ऐसा ज़्यादा कोई खास है नहीं कि हैवी इयररिंग्स आपको मिले। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, लाइट चोकर, लाइट इयररिंग्स, देखो। काफ़ी लोग होते हैं ना जिनको हैवी पहनना पसंद नहीं होता है, तो वो ये ज़रूर बाय कर लेना, अच्छा लगेगा आपको। मम्मीज होती हैं, दादी होती हैं, हमारी मम्मी होती हैं, उनको इतने हैवी है ना पहनना पसंद नहीं आते हैं, वो कहते हैं इतना हैवी हैवी अजीब लगता है ये वो, तो आप ये वाले उनके लिए बाय कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करना ज़रूर, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ज्वेलरी हॉल कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, ऐसे ही ज्वेलरी हॉल में लाती रहूँगी। कमेंट बॉक्स में आप सजेशन देना कि नेक्स्ट हॉल किस पे बनाया जाए, तो वही हॉल मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो भी सेम पैकेजिंग है सबकी, लेकिन सबके बॉक्सेज अलग है, क्योंकि सबके सेलर्स अलग होते हैं, सेलर्स अलग होंगे तो पैकेजिंग इनके ऑब्वियस है कि अंदर से अलग ही होगी। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है, सबसे अभी तक के सबसे बेस्ट डब्बा है इसका बॉक्स, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है रोफर वर्ड, रोफर वर्ड का है ये डब्बा बॉक्स इसका। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, और ओपन करने पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है नेकलेस, वन मोर नेकलेस इन गोल्डन टोन, ठीक है। इसके इयरिंग्स मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी, और इयरिंग्स से आप थोड़ा गेस करना कि कैसा होगा, ठीक है। ये इसके इयरिंग्स हैं, और इसमें ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन है, जो कि इसको ना बहुत ही सुंदर बना रहा है, और इतने अच्छे नहीं, छोटे छोटे से जो नीचे घुंघरू से है ना इसके, ये इसको अलग ही लुक दे रहे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे पहनने के बाद, अलग ही इनकी ग्रेस आ रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका चोकर, इसको आप एज अ चोकर भी पहन सकते हैं, और इसके पीछे इतनी अच्छी लेंथ इसकी दी गई कि आप एक ना लॉन्ग नेकलेस होता है ना, वो भी इसको बना के पहन सकते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं जिनको गले में यूँ चिपका चिपका पसंद नहीं होता, वो थोड़ा सा लूज पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि लाइक दिस मंगलसूत्र की तरह थोड़ा छोटा हो लेकिन इतना हो ना, तो ये उस तरह भी आप पहन सकते हैं। मैंने वीडियो में दोनों तरह से इसको पहन के दिखाया है, टू टाइप्स हैं इसके, दोनों तरह से इसको पहन के दिखाया है, और आप देखना कि दोनों तरह से ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। बबल रैप में अच्छे से रैप होकर आया है, इसका स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो चेकआउट करना ना भूले। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये देखो, इतना ट्रेंडिंग है ये लाइन से इतनी ट्रेंडिंग चल रही है, तो हमारे इस सुंदर से नेकलेस पे क्यों ना ट्रेंड करिए, क्योंकि ये है ही वाओ। देखो कितना अच्छा है, और मैंने वीडियो लगा दिया है साइड में, आप वो भी देख लो कि ये वीडियो में पहनने के बाद, ऐसे तो इसकी लुक आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कैसा है कैसा नहीं, लेकिन इसकी लुक आपको पसंद आएगी जब मैं इसको पहन के दिखाऊंगी, जब मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी। तो जो इसकी डोरी की मैं बात करूँ, तो इसकी डोरी की बात करूँ तो डोरी भी काफ़ी अच्छी है, लंबी है, पीछे इस तरह से थोड़े थोड़े से मोती डाल दिए गए, जिससे ना लुक अच्छी आती है। और मैं आपको इसको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ, आप बताना कितना प्यारा लग रहा है, देखो कितना ट्रेडिशनल सा लुक दे रहा है ना, हमारी मम्मी वगैरह को ये बहुत पसंद आने वाला है। और ऐसा नहीं है मम्मी को पसंद आएगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और ये वाला तो मैंने खुद बाय किया है अपने लिए। और अगर आप इसको बाय करते हैं ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, ठीक है। तो इसकी मैं डिटेलिंग आपको थोड़ी बता देती हूँ, ये जो मोती लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं, सब ना बहुत ही अच्छी शाइनिंग है सबकी, ऐसे नहीं है कि डल हो या कैमरा, मेरे हिसाब से तो कैमरा इतने अच्छे तरीके से इसको जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये चीज़ रियल में, अगर आप रियलिटी में यूँ देखोगे ना, तो बहुत ही अलग है, बहुत सुंदर है, और अफोर्डेबल, इतने अफोर्डेबल प्राइस में ना ऐसी चीज़ें कम ही मिलती है। बाहर लोकल मार्केट में आप लेने जाओ 500 का, 600 का, 500 600 का तो आराम से देते हैं। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट।
जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है वो भी एक नेकलेस है, लेकिन ये नेकलेस 3 लेयर्स का नेकलेस है और ये भी कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। और ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है, कम से कम प्लास्टिक का बॉक्स तो देना चाहिए ना, ताकि हम इनको बाद में सिक्योर करके रख सकें। अब इनमें तो ये सिक्योर रहेंगे नहीं, तो हमें अपनी बॉक्स में इसको डाल के रखना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, इतने कम प्राइस में अब जो मिल रहा है वही बहुत अच्छा है। तो ये इस तरह बबल रैप में आया है और इसकी वीडियो मैं साथ में लगा दूंगी, क्योंकि ये आपको ऐसे समझ नहीं आने वाला है। मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी तो भी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन वीडियो में जब मैंने पहना ना तब आपको ज़रूर समझ आएगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, इतनी सुंदर, वो भी इतने कम प्राइस में। ये देखो इसकी, देखो कितना अच्छा है ये, और सारी चीज़ें ना इसमें इतनी शाइनिंग कर रही है। ये देखो, ये जो इसके बड़े स्टोन्स है, छोटे स्टोन्स है, और 3 लेयर्स का ये सेट है। आपको मैं इसको स्क्रीन पर पहन के दिखाऊंगी, साइड वीडियो कर दी, उसमें आप ज़रूर देख लो कि कितना सुंदर लग रहा है। इनको आपको एक सिंपल साड़ी पे सिर्फ ये नेक पीस डाल लोगे ना, ये बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है, बहुत ही क्लासी। ये देखो ये इसकी, ये जो ऊपर की इसकी लेयर है ना, इसमें छोटे छोटे से स्टोन से ये इतने शाइन कर रहे हैं, इतने अच्छे हैं। और ये पर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये देखो, और जो इसकी इयरिंग्स की मैं बात करूँ तो इयरिंग्स सेम तरह के हैं, जो इस तरह के इस पर स्टोन्स लगाए गए हैं। बहुत ही अच्छे इसके इयरिंग्स हैं, स्लीक से इयरिंग्स हैं, क्योंकि हमारा चोकर जो है ना वो हैवी है, सॉरी जो हमारा नेकलेस है ना वो काफ़ी हैवी है, 3 लेयर्स का है। तो उसके साथ ना इस तरह के छोटे स्लीक इयरिंग्स ही बहुत अच्छे लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये एक दूसरे को। तो जब भी हमारे इयरिंग्स हैवी होते हैं तो हमारा नेकलेस बहुत लाइट होता है, और जब हमारा नेकलेस हैवी है तो हमारे जो इयरिंग्स हैं ना वो लाइट वेटेड होते हैं। जैसे कि हमें हमेशा से पता, जब हम स्टाइलिंग करते हैं कुछ हैवी पहन लेते हैं गले में, या हमें कुछ बहुत ज़्यादा भारी झुमके पहनने हैं, तो हम अपने गले को हमेशा खाली रखते हैं। आपने देखा ही होगा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी ऐसा करते हैं कि वो बड़े बड़े झुमके पहनती है लेकिन गला बिल्कुल खाली होता है। तो यही चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखी जाती है और जो हमारी ड्रेस को एक बहुत ही अच्छा लुक दे देती है। ज्वेलरी भी बहुत मायने रखती है हमारे पूरे ओवरऑल लुक में। तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, प्राइस इसका मेंशन है स्क्रीन पे, तो चेकआउट करना ना भूले। बहुत ही अच्छा है वेडिंग सीजन के लिए, बहुत ही अच्छा पीस है ये। अब लास्ट प्रोडक्ट बचा है मेरे पास, जो कि है बैंगल्स, और वो इतनी सुंदर बैंगल्स है ना, सीधा राजस्थान से आई है। राजस्थान मैंने ऑर्डर किया और मैंने देखा कि जो इसका सेलर है वो राजस्थान से इसे कूरियर कर रहा है, राजस्थान भीलवाड़ा अगर आपने सुना हो तो। बहुत ही अच्छी मुझे इसकी क्वालिटी लगी, और रजवाड़ा पंजाबी चूड़ा है वो, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये है वो चूड़े का बॉक्स जो मुझे बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में रिसीव हुआ था। ये पूरा पैक था यहाँ से, और जब मैंने इसको ओपन करा तो इस तरह ये पैकेजिंग थी। देखो अंदर पूरे थर्माकोल से इसको सिक्योर करके रखा गया, ताकि चूड़ियाँ बिल्कुल भी टूटे ना, ख़राब ना हो। और ये थर्माकोल है, उसके बाद ये इस तरह के थर्माकोल से पूरी तरह सिक्योर किया गया इसको। अब मैं आपको ये चूड़ा दिखा देती हूँ, इतने कम प्राइस में इतना सुंदर चूड़ा ना बहुत रेयर ही मिलता है। और मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है कि मैंने करवा चौथ पे इसे क्यों नहीं बाय किया, मुझे करवा चौथ पे इसे ले लेना चाहिए था ताकि मैं इसको पहन पाती। कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, न्यूज़पेपर में इसको अच्छे से रैप किया हुआ है, बबल रैप था, थर्माकोल से रैप किया हुआ है, अच्छे से पूरा पैक्ड था। और मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ये चूड़ा अच्छा लगे ना तो कमेंट करना ना भूले, और अपनी मम्मी मम्मी के लिए ज़रूर इसको ख़रीद लेना। ये देखो, क्योंकि आने वाले वेडिंग सीज़न में ये बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि ये तो मेरा खुद का पर्सनल मैंने बाय किया है, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी शादियाँ होने वाली है, तो मैं इसको हर फंक्शन में पहनने वाली हूँ। ये देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा, मैं इसको आपको पहन के भी दिखाऊंगी। ये लाख की चूड़ियाँ नहीं है, ये जो बैंगल्स है ये है तो प्लास्टिक की, बट लुक इनका इतना अच्छा है ना कि दिल खुश हो जाएगा आपका। यूजुअली जो बैंगल्स होती है बस उनके ना यहीं पे ही स्टोन्स लगे होते हैं, है ना, लेकिन इस बैंगल में आपको चारों तरफ स्टोन्स दिखेंगे। ये देखो, दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी स्टोन्स है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, 3 साइड्स में ना स्टोन लगाया गया, मतलब पूरा हाथ का काम है। ठीक है, चिपकाने वाली चीज़ें हैं कि ग्लू से चिपकाई गई होंगी, लेकिन लुक तो इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। लुक एट द चूड़ा गाइस, कितना अच्छा है ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसके अंदर सारे कलर्स हैं, इसके अंदर पिंक है, येलो है, रेड है और ग्रीन है, और ये देखो कितना अच्छा है ना। इस पर लिखा हुआ है कि ये रजवाड़ी पंजाबी चूड़ा है, और मुझे तो लग भी रहा है कि ये सेम वही है, क्योंकि ऐसे चूड़े मैंने राजस्थान में पहने। देखो देखो मेरी ड्रेस को ये कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको बाय कर लेना, चेकआउट करना मत भूलना, रिव्यूज़ पढ़ना, सब कुछ आपको अच्छा लगेगा तभी बाय करना, क्योंकि मुझे तो ये बहुत सुंदर लगा है। ये देखो, नेक्स्ट करवा चौथ के लिए अभी से बाय कर लो। और ये इतना अच्छा है ना, 350 में बाहर जो लोकल मार्केट में चूड़े मिलते हैं ना वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। और मार्केट में अगर मैं इसको लेने जाऊँ ना तो ये आराम से 700-800 का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 350 के अराउंड आपको मिल जाएगा। शायद अभी डिस्काउंट हो तो और भी सस्ता मिल सकता है, बट मैंने इसको 360 में बाई किया।
है ना। अच्छा तो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे प्रोडक्ट्स को जरूर चेकआउट कर लेना, बिल्कुल बजट फ्रेंडली, अफोर्डेबल और बहुत ही हाई क्वालिटी की चीज़ें मैं इस बार आपके लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।